ये पिछले 2 महीने से जो हर इंसान ऐसा करके तुम्हारे मुंह पे खांस के जा रहा है ना, जिसका आवाज टूट गया, वॉइस ब्रेक हो गया, क्रैक हो गया, बोलती बंद हो गई है, बीच बीच में उल्टी कर रहा है, थोड़ा बहुत बुखार हो रहा है, कभी सोचा क्या कौन किया है ये, अपुन किया है? लेकिन अपने को वायरल बनाया क्या तुम लोगों ने? रिकग्निशन दिया क्या? इंस्टाग्राम में टैग करके क्रेडिट दिया क्या? नहीं, अपुन मामूली फ्लो है अपना, कोई इज्जत नहीं, टैलेंट नहीं, क्रेडिबिलिटी नहीं, कदर नहीं। यहाँ वो इम्पोर्टेड वायरस को तुम लोगों ने ग्लोबल पैंडेमिक बना के, इंटरनेशनल सेलिब्रिटी बना के, लॉकडाउन वॉकडाउन करके त्योहार की तरह मचाए, लेकिन मेक इन इंडिया का कोई कदर नहीं। बच्चे से लेके बड़ा दो दो महीने तक खास रहा है। कितना टैलेंट लगता है ना ऐसा बीमारी बनाने में। इसमें कोई मरता नहीं है, कोई डेंजरस कॉम्प्लिकेशन होता नहीं है, लेकिन खांसी रहता है ताकि अपुन फैले। कितना सोच के मास्टरमाइंड की तरह किया पता है इसमें कैसे होता है? ऐसा गले में इन्फेक्शन करके, सूजन पैदा करके जब खांसी होती है, तब क्या होता है, वो खांसी से पेट में जो प्रेशर बढ़ता है उससे एसिड ऊपर आता है, एसिड से और खांसी होती है, खांसी से पेट में प्रेशर आता है, फिर और खांसी होता है। ऐसा देखिए इंसेप्शन लेवल का अपुन ने बीमारी बनाया। लेकिन अभी तक लोग खांस रहे हैं, एंटीबायोटिक खा रहे हैं, कॉफ सिरप पी के हाई हो रहे हैं, लेकिन इसको ये नहीं पता एसिडिटी कंट्रोल करेंगे तो यह चला जाएगा। ऐसा मास्टरमाइंड बीमारी बनाया तुम लोग, मेरे को थोड़ा सा भी रिकॉग्निशन और इज्जत नहीं दी। बस अपने को बस वो दे दो यार, अपने लिए वही काफी है।